की सबने और पार्टी को तोड़ने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन सख्त तरीन नाकाम हुए वो लोग जो पार्टी के पीछे पड़े हुए थे। इमरान खान का बाल भी बीका नहीं कर सके। और आवाम ने 8 फरवरी की शाम को तहरीक इंसाफ की केतलियों पे, मूलियों पे, गाजरों पे मोरे लगा के तहरीक इंसाफ को कामयाबी से हमकिनार किया था। हालांकि कोई बैट नहीं था हमारे पास, कोई निशान नहीं था हमारे पास। अब उसके बाद जो हमारी रिजर्व सीट्स है, एक तो डाका मारा गया हमारी जनरल सीट्स के ऊपर, कौमी असम्बली में, पंजाब असम्बली में, इवन इस असम्बली के अंदर भी हमारे कई जीते हुए कैंडिडेट्स को रातों रात हराया गया। फार्म 45 कुछ और है, फार्म 47 कुछ और है। हम ये कहते हैं कि इस पार्टी के साथ जो जुल्म जबर ज्यादती हुई है, हमारे सब्र को मजीद ना आजमाया जाए। जनाब स्पीकर, हम इंतजार कर रहे हैं, कानून के दरवाजे खटखटा रहे हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द पंजाब में भी और मरकज में भी तख्ते उलट जाएंगे, इमरान खान वजीर आजम होगा और पंजाब भी हमारा होगा जैसे खैबर पख्तूनख्वा हमारा है। लेकिन जनाब स्पीकर, मेरी ये बहनें जो डिप्राइव हुई हैं, इन्होंने इलेक्शन में हमारे लिए काम किया है, ये गलियों सड़कों पे हर जगह निकली हैं, और फिर हमारे अकलियत के भाई जो हैं वो हमारे साथ चले हैं हर तरफ। आज उनको उनका हक नहीं दिया जा रहा। ये एक नई साजिश हो रही है कि तहरीक इंसाफ के जो रिजर्व सीट्स है वो अपोजिशन में बांट दी जाए। हम ये किसी सूरत नहीं होने के जराबे वाला। ये जो लोग ऐसी हरकत कर रहे हैं उनको समझ आ जानी चाहिए कि इस सूबे के अंदर कम से कम तहरीक इंसाफ वहां से शुरू होती है और यहाँ पे आके खत्म होती है। इतनी बड़ी तादाद में हमें अगर ये हमें मजबूर करेंगे तो हम इलेक्शन कमीशन के आगे भी जाएंगे, पार्लियामेंट हाउस के आगे भी जाएंगे और अडियाला जेल के आगे भी जाएंगे। तो हमारा मैंडेट चोरी शुदा हमें वापस करें और हमारी ये रिजर्व सीटें जो है भाई, ऑल ये हमारा हक है, तहरीक इंसाफ का हक है, हमें ये वापस की जाए।